अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डेटाबेस के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज डेटाबेस? अ डेटाबेस इज अ ऑर्गेनाइजेशन कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा इन विच रिडंडेंसी इज मिनिमम। डेटाबेस हम इसलिए क्रिएट करते हैं कि जो हम डेटा डेटाबेस के टेबल में स्टोर करें उसके अंदर हमारी रेपुटेशन कम से कम हो। फॉर एग्जाम्पल, डेटाबेस आजकल कौन कौन यूज कर रहा है? नॉर्थ ऑफिस वाले डेटाबेस यूज कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज यूज कर रही है, उसके बाद जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है वो डेटाबेस को यूज कर रही है। डेटाबेस यूज करने का फायदा ये है कि इसके अंदर एक तो अपनी रेपुटेशन कम होती है, उसके बाद डेटा आपका एक स्टोर वे में ऑर्गेनाइज वे में स्टोर हो जाता है। इसकी एग्जाम्पल एक स्टूडेंट का टेबल है और दूसरा फोन नंबर का टेबल है। एक स्टूडेंट के कहीं ज्यादा कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं। एक स्टूडेंट का टेबल है जिसके अंदर कुछ कॉलम्स एट्रीब्यूट्स है, फॉर एग्जांपल रो रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, एज एंड सिटी। इसके अंदर दो स्टूडेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक हसीब दूसरा अली। हसीब की एज 20 है, सिटी सहीवाल है। अली रजिस्ट्रेशन नंबर 2, एज 21, सिटी लाहौर। अब इनके फोन नंबर्स का टेबल देखा जाए, 1 हसीब रजिस्ट्रेशन नंबर 1, हसीब के दो नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, 040-222-22, 040-323-233। उसके बाद अली का एक ही फोन नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। इस जब तक हमारे पास डेटाबेस सिस्टम नहीं था तो हमारा डेटा कैसे स्टोर होता था? Obviously, हमारा डेटा फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम फाइल्स के अंदर स्टोर होता था। अब फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है? तो जब भी हम पिछले दौर के अंदर आज से कुछ साल पहले अपना डेटा स्टोर करते थे तो कुछ फाइल्स के अंदर लिख कर स्टोर किया जाता था। इसके कुछ एग्जाम्पल आपके सामने शेयर करूँगा, जैसे कि लाइब्रेरी। लाइब्रेरी की कुछ अपनी फाइल्स होती है जिसमें आपका नेम हो सकता है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, फ़ोन नंबर हो सकता है, आपका एड्रेस हो सकता है, इशू डेट हो सकती है, रिटर्न डेट हो सकती है, उसके बाद आपका फाइन वगैरह हो सकता है। ऐसे ही एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में आपका नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ETC, कई ज़्यादा एग्जामिनेशन के अंदर आपकी चीज़ें हो सकती है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में भी आपका कई सारा डाटा स्टोर होता है। आगे इनकी एक एग्जांपल मैंने बनाई हुई है, जैसे कि लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम है, फादर नेम है, बुक इशू है, फाइन है। और एग्जामिनेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, एड्रेस, क्लास, सेमेस्टर एंड अ ग्रेड। रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर नेम, फोन नंबर, एड्रेस एंड लास्ट वन इज क्लास। आप इन फाइल्स के अंदर देख सकते हैं, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर, कि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर तीनों डिपार्टमेंट में हर दफ़ा रिपीट किया जा रहा है। नेम भी रिपीट हो रहा है। उसके बाद फादर नेम लाइब्रेरी और रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर रिपीट हो रहा है। इस डुप्लीकेशन ऑफ डेटा से बचने के लिए हम डेटाबेस को यूज़ करते हैं। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के कई डिसएडवांटेजेस भी है, जैसा कि हम इसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, लिमिटेड डेटा शेयरिंग, हम किसी से ज़्यादा डाटा को शेयर नहीं कर सकते, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। डुप्लीकेशन डाटा के अंदर हम पढ़ेंगे, डिफरेंट सिस्टम्स प्रोग्राम हैव सेपरेट कॉपीज ऑफ सेम डाटा, लेंथी डेवलपमेंट टाइम, प्रोग्रामर्स मस्ट डिजाइन देयर ओन फाइल्स फॉर्मेट, लिमिटेड डाटा शेयरिंग, नो सेंट्रलाइज कंट्रोल डाटा। आपको मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल दे के ये समझाना चाहूँगा कि इसका डिसएडवांटेजेस क्या है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का। इसका फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का डिसएडवांटेजेस ये है कि हमारा एक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हुआ है, जो हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफिस है उसके अंदर फ़ोन नंबर हमारा सब में सेम है जब हमने एडमिशन लिया है। जब हम बाद में अपना नंबर चेंज करते हैं तो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जाते हैं, अपना नंबर चेंज करवा देते हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स में हम अपना नंबर नहीं चेंज करवाते। तो ये हमारा सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है कि हमें अपना नंबर हर जगह जा के चेंज करवाना पड़ता है, इससे हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस अप्रोच। डेटाबेस अप्रोच का एडवांटेजेस ये है कि हम एक दफ़ा यूनिवर्सिटी की डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद
उसके साथ हर ऑफिस को अटैच कर सकते हैं, लाइब्रेरी, एग्जामिनेशन ऑफिस, रजिस्ट्रेशन ऑफिस, और जो भी हम डाटा अपना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट डेटाबेस में सेव करते हैं वो लाइब्रेरी वालों को जो डाटा चाहिए होता है वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट डेटाबेस के टेबल में से एक्सेस कर लेते हैं। ऐसे ही एग्जामिनेशन वाले, ऐसे ही रजिस्ट्रेशन वाले। रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।